असलम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर हम रहते हैं। हमारा सेंस, हमारी अकल, हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करती है, हमारा सेंस ऑब्जर्व करता है। हम यूनिवर्स के बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक इंक्वायरी है, कुरान की इंक्वायरी। लेकिन हमें एक डिवाइन मैसेज मिलता है कि तुम्हें गैब पे ईमान लाना है। तो हमें उस गैब पे ईमान लाना है जहाँ हमारे सेंस उस गैब को नहीं पहचान सकते, हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी उस गैब को नहीं पहचान सकती। हमें उस गैब पे ईमान लाना है। हम यूनिवर्स में तो बने हैं, हम यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन यूनिवर्स ने तो हमें क्रिएट नहीं किया। ये बात हमें समझ में आती है ना? इतनी तो हमारी अकल समझ में आ रही है साइंटिफिक इंक्वायरी से। हम अगर यूनिवर्स में भी रहते हैं तो हम यूनिवर्स के प्रोडक्ट नहीं हैं। यूनिवर्स ने हमें डिस्कवर नहीं किया है, हमने यूनिवर्स को डिस्कवर किया है। यूनिवर्स ने हमें क्रिएट नहीं किया है। मान लीजिए, एक मिसाल देता हूँ आपको। यूट्यूब एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है और इसके जो चैनल्स है वो गैलेक्सीज है, और उसके जो सब्सक्राइबर है चांद सितारे हैं, प्लैनेट्स है। हम एक चैनल पे छोटे से गैलेक्सी में रहते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि यूट्यूब का क्रिएटर है जिसके चैनल से गैलेक्सीज है। इस चीज़ को मान लेना, इस चीज़ में यकीन लाना, ये ईमान है, ये गैब पे ईमान है। क्योंकि हमारी अकल मानती है, हमारी अकल समझती है कि हम यूनिवर्स ने हमें डिस्कवर नहीं किया, हमने यूनिवर्स को डिस्कवर किया, यानी यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है। हमारे सेंस उस क्रिएटर को नहीं समझ सकते, हमारे फाइव सेंस यूनिवर्स को समझ सकते हैं, हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी यूनिवर्स को समझ सकती है। लेकिन रिजल्ट क्या आता है कि यूनिवर्स भी क्रिएट हो रहा है, यूनिवर्स ने हमें क्रिएट नहीं किया है। तो आपका ये आर्गुमेंट है जो है यूनिवर्स पे, और सब यूनिवर्स के अंदर ही है, तो हम क्रिएटर को कैसे डिस्कवर कर सकेंगे? बाद में क्रिएटर को डिस्कवर नहीं हो रही है। हम क्रिएटर को फाइव सेंस और साइंटिफिक इंक्वायरी से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हर चीज कायनात की समझ सकते हैं। सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमने यूनिवर्स को डिस्कवर किया है, यूनिवर्स ने हमें डिस्कवर या क्रिएट नहीं किया है। जज़ाकुल्लाह खैरा।